तो मेरे साथ आइए महादेव की नगरी, सुबह बनारस का दर्शन कराते हैं। तो भैया आज जो है हमारा बनारस का दूसरा दिन है और इस गली में हम लोग जो है घूम रहे हैं और फिलहाल जानते हैं ना बिहारी हम लोग हैं तो भैया चाय की बहुत जरूरत होती है। तो आज दूसरे दिन जो है हम लोग चाय की तलाश में है, तलाश का यहाँ जगह जगह चाय है, आप आए पिए बहुत मजा आएगा। तो फिलहाल हम लोग चाय पीने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग जो है घाट पे बैठने के लिए जाएंगे और घाट घूमने के लिए जाएंगे। तो आपको दिखाएंगे वहाँ की एक जो शांति होती है, जो एक पीस होता है। अच्छा ऐसे में दोनों को एक ही कहते रहिए। अच्छा ठीक है, जो इंग्लिश समझते वो इंग्लिश समझेंगे, वो जो हिंदी समझते हिंदी समझेंगे। फिलहाल हम दोनों थोड़ा सा समझते ठीक। बनारस अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत शहर है। किसी ने सच ही कहा है, तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू उसमें। और ये कहीं ना कहीं सच है कि आपको इन गलियों से भी उतना ही प्यार हो जाएगा जितना बनारस के घाटों से। बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझे, तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी जैसे ही मुझे ये बनारस का खूबसूरत सा घाट मेरे आंखों के सामने आया, मानो मैं वहीं खो सा गया। मानो लगा कि ये सारा वक्त जो है थम सा गया हो। इतना खूबसूरत सा दृश्य ये देखने का मुझे अवसर जो मिला, मुझे लगा कि यार मैं यहीं का बन के रह जाऊं। यहाँ हर एक कोई बनारस को अपना बनाना चाहता है, कोई अपने तस्वीरों के द्वारा तो कोई वीडियोस बनाकर। तो मैंने भी बहुत सारी मस्ती की बनारस। अब बनारस को सुबह बनारस क्यों कहा जाता है ये आप भी सोच रहे होंगे, तो इसके पीछे भी बहुत एक रोचक कहानी है। अब कहानी इस तरह से है कि लखनऊ के बहुत बड़े नवाब के सागिर्द जो हैं वो बनारस आए थे। अब बनारस आने के बाद उनको जो है गंगा किनारे ही एक रूम दिया गया। अब जब सुबह उठे और बालकनी पे आए तो सूरज और गंगा का जो एक मिलन देखा तो उनके मुख से यही शब्द निकला, सुबह बनारस। और तभी से ये जो शब्द जो है वो काफी प्रचलित हो गया। तो आपको कैसा लगा ये सुबह बनारस का दृश्य, ये जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप ये भी मुझे बताइएगा कि आपने जो है कभी सुबह बनारस का दर्शन किया है या नहीं। ओ मस्त मलंगों की ये भीड़ है, सब है देखो दीवाने, खैनी ठोकत पान गुलावत लूटत सारे। फिलहाल हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले आने वाले एपिसोड में आप देखिएगा बनारस और गंगा आरती। तो हमारा वीडियो देखना ना भूलें। और हाँ,
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि हम इसी तरह से आपको बिहार और भारत में जुड़े हुए हर हिस्सों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बनारस की मैं शाम तक भटकूं तुझे।